मेरी मैनेजमेंट तो मेरे घर से चलती है। वो कह रहा था भाभी जी आती दिखें तो अपना लो और जाने दो। एक बार आदमी का ब्याह हो जाता है, उसके बाद जो भी आती है मन करता है ये माता चली जाती। सच बता रहा हूँ सर, ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में कोई माइका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो आके मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? जानू मका तू मेरी बात सुन लिया कर। बहुत अच्छे। घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाएं तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। वाह। तो सर काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है। मेरी नई नई शादी मैंने शंभू शिखर को फोन किया, मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दे कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। इसने मुझे जो टेक्निक बताई कसम है सिर्फ वो लोग तालियां बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दे कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोला एक बार भूल जा। बात सही है ना? तो फिर अगले साल से तो तू रिमाइंडर लगा के याद रखेगा। आजकल इन्होंने एक नया टोटका निकाला है तिवारी जी, जब इनका घूमने फिरने का मूड हो, आउटिंग पे जाने का मूड हो, पिकनिक मनाने का मूड हो, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती हैं। आध्यात्मिक? मैंने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे हैं। पट्टा मना नहीं कर सकता साहब। एक दिन कटरा लेके जाएगा, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी टॉप घुमाता फिर। मैं इस देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं साहब, एक भी देवता विदेश में नहीं बसा। हाँ वरना ये कभी भी कह सकती थी मैंने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी है। आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता। लेकिन हम पतियों को कष्ट झेलने आते हैं साहब, हम भी कभी भी कह सकते थे हमने बैंकॉक वाली देवी के दर्शन बोल रखे हैं। हाय क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई वाह। पवित्र स्थलों का नाम लेने से क्या ऊर्जा का संचरण। बैंकॉक एक पवित्र तीर्थ स्थल का नाम है, वहां प्राणी जाता है, एक सिद्ध पीठ के दर्शन करता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, आस्था और श्रद्धा से भरकर वो दूसरे पावन धाम में प्रवेश करता है, उसका मन और पवित्र हो जाता है। 4-5 आश्रमों का विचरण करने के बाद वो इतना निश्चल हो जाता है, पूरे थाईलैंड में उसी अवस्था में घूमता है जिस अवस्था में धरती पर आया हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई वाह, जिंदाबाद। ये सारे कवि कह रहे थे तालियां बजाओ तालियां बजाओ, मेरे काव्य पाठ के दौरान आप तालियां बजाओ या मत बजाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच बता रहा हूं तिवारी जी, मेरी नई नई शादी हुई, 4 दिन बाद मैं घर से बाहर निकला तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मैं रुक गया। वो बिल्ली वापस लौट कर आई, बोली तेरी शादी हो गई, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या होगा। तो मेरा तो मैक्सिमम हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हो नहीं सकता। और मनमोहन जी आपको एक बात बता दूं, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाना, प्रधानमंत्री हो जाए चाहे आदमी, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकता। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो इन्हें कोई धनपति कुबेर मिल रहा था। लेकिन बोलती हैं साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो मनुष्य यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे, अब मैं सिद्ध करता हूं, और सही सिद्ध कर दूं तो जरा अपने आपको सीधा करके बैठ जाना, बहुत पसर गए हो आप लोग। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां पे इनकी कोई सहेली मिल जाए, पहला संवाद क्या होगा। अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, इसकी करतूत ऐसी है वहीं मिलेगा। तुम भी तो वहीं हो। हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी।
लाजवाब।